आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जगह जगह महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महिलाओं को लेकर के बातें कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान भी अभी आया कि महिलाएं ही इस देश को आगे बढ़ा रही हैं, प्रदेश को आगे बढ़ा रही हैं। और एक बात देखी जाए तो वहाँ तक सही भी है, क्योंकि महिलाओं का बड़ा अहम योगदान रहा है। लेकिन एक तस्वीर उससे एक और भी दिखती है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पीछे तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। इनको महिला दिवस के बारे में पता है कि नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। इनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन एक दृश्य जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये तमाम उसी वर्ग की, उसी देश की महिलाएँ हैं। किसी को बच्चे ने घर से निकाल दिया है, तो कोई मजबूर है यहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं हैं। सरकार योजनाएं ज़रूर बनाती है, लेकिन योजनाएं इन तक पहुँच नहीं पाती, ना घर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बात करने की कोशिश करेंगे हम। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, महिला दिवस के बारे में पता है आपको? हमको कुछ नहीं पता बेटा, आज 50 साल हो गए बेटा हमको यहाँ रहते रहते, मगर लेकिन कोई हमको नहीं, कुछ नहीं मालूम। सरकार कई तरह योजनाएं बनाती है, आप यहाँ पर रहन बसेरे हैं, मगर लेकिन कहीं रहने नहीं देंगे, वहाँ से भी भगा देंगे। मैदान में पड़े रहेंगे, वहाँ से भी भगा देंगे। तो आप क्यों यहाँ पर हैं, मतलब किस लिए यहाँ पर हैं? इंसान की जो है, इंसान की मजबूरी होती है। क्या मजबूरी आपको यहाँ पर लाई है? हमको ये मजबूरी, ना घर के बच्चे देखेंगे, ना कोई खाना पीना देंगे, क्या घर पे रहेंगे बेटा, वो बात ठीक है, मगर लेकिन क्या दीवार को देखते रहेंगे? बोलो, नहीं। कैसे आप अपना खाना पीना करती हैं, कैसे रहती हैं आप यहाँ? भगवान है ना, कुछ कहीं ना कहीं से खाना पीना मिल जाता है, खा लेते हैं बेटा, समझे? ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। हाँ, तो ये तमाम एक वो वर्ग है जो पीड़ित है, घर परिवार से पीड़ित है। महिला दिवस हम ज़रूर मनाते हैं और अवार्ड भी देते हैं, सम्मानित भी करते हैं, लेकिन इस वर्ग को सरकारें ध्यान नहीं देती। देती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन तक नहीं पहुंचती। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा फातिमा खातून। फातिमा खातून। तो आप मतलब क्या मजबूरी है जो आप यहाँ बैठी हुई हैं? घर परिवार नहीं है आपका, क्या हमारा कोई नहीं है, मतलब क्या मजबूरी, कैसे खाती हैं, कैसे गुजर बसर चलता है? खाते हैं बाबू, और क्या करें। महिला दिवस के बारे में पता है आपको? हमको पता नहीं है बेटा, हम लोग यहाँ पर शनि मंदिर बढ़ जाते हैं कहीं उधर, तो पैसे मंदिर। देख रहे हैं आप ये तस्वीरें हैं, ये दर्द है जो बयां हो रहा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रीति। महिला दिवस के बारे में जानती हैं? हमारे 7 साल हो गए भैया, मेरे बालक खो गए, लड़की शादी से मारा, बाब लड़की को गोदी में बालक रही है, उन्हें ये यहाँ के उठा लिया। शुक्लागंज की एक लड़का है, जिस सवाल उसके साथ बाबा भी रही, ये कंपनी बाग से उठा लिया। मैं बहुत दुखी हूँ बेटा। कोई कंप्लेन की कोई आपने पुलिस में, कुछ हुआ? नहीं, मेरा उन्हें भैया नहीं है, न बाप है, न मानते खाते मेरी माँ। क्या कहना चाहेंगी माता जी आप? अब हम बेटा, मैं क्या कहें, हम तो लड़की के ढूंढते हैं, कहीं भगवान की दया से मिल जाए। कब कब खोई है आपकी लड़की? बेटा अब तो हम 6 महीना से परेशान हैं, उसके पीछे मैं पड़ी हूँ। तो पुलिस में किसी तरीके की कंप्लेन की आपने? नहीं बेटा, हम नहीं बोले, झूठ नहीं बोलेंगे, मैं साधु संत होकर देखे गला में तुलिस। पुलिस तक तो आपके जाना ही चाहिए था ना पुलिस? हाँ, जान तो मैं शुक्लागंज का एक पुलिस था, उसको मैं कहें, मैं अपना पता लगाए, कहे भी बेटा पता नहीं, हम लगाते हैं तो हम तुमको खबर करेंगे, रहते हैं कहाँ, तो हम मैं कहें कि जो बाबा हम तो रहते हैं स्टेशन पर बस। तो रैन बसेरे बनाए जाते, उसमें क्यों नहीं रहते आप लोग? नहीं है बाबा, हम तो न घर है, न आदमी है, न बालक है, एक लड़की है, लड़की के लकम में परेशान है। तमाम तरीके की परेशानियां हैं जो निकल कर के सामने आ रही हैं। किसी के घर परिवार नहीं है, किसी के परिवार ने घर से निकाल दिया। माता जी, आपका क्या नाम? कमला। कब से आप यहाँ पर हैं, क्या मजबूरी है? मजबूरी है, मेरा आदमी है ख़त्म हो गया बाबू, और मेरा बाल बच्चा कोई नहीं है। हमारे सास ससुर थे वहाँ शास्त्री नगर में, सब बेचदारों, और बेच के अब हाँ का नाम भाई था पुलिस में, और का नाम है रिटायर हो गया, उनने कह दे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, भीख मांगो जाके। महिला दिवस है आज अंतर्राष्ट्रीय, उसके बारे में पता है आपको? हाँ, मैं नहीं पता। सरकार कई सारी योजनाएं लेकर आती है महिलाओं के लिए। भैया हम कमा के खाते, का नाम कमा लाए तब खा रहे हैं।
एक वो वर्ग है जो अशिक्षित भी है और कहीं ना कहीं योजनाएं जो बनती हैं उसे तो उनको पता नहीं चलता है और योजनाएं उन तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर इस जगहों पर विधायक आना पसंद करते हैं, ना यहाँ पर सांसद आना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनका वोट बैंक नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन पर आ चुके हैं, इनके पास में ना घर है, ना बार है, ना खाने के लिए खाना भी करते हैं तो अपनी मेहनत से जुगत करके ही करते हैं। आप देखते हैं तमाम हमारे पीछे लोग हैं, महिलाएं बैठी हैं, एक महिला ये भी हैं, तो पूरे ये बस्ती इन्होंने बसा रखी है। और कब से रह रहे हैं भैया आप? महिला दिवस के बारे में कुछ पता है आपने? नहीं मालूम है सर। योजनाएं सरकार लाती है, कितना पढ़े हैं आप? जी पढ़े हैं 8वें तक। तो सरकार कई सारी योजनाएं लाती है, पेपरों में कभी आपने पढ़ा देखा? नहीं जी देख पाया। तो तमाम वर्ग है ये, हम आपको और आगे आगे आपको दिखाएंगे। ये पूरी बस्ती इन्होंने बसा रखी है, क्योंकि रैन बसेरे में जाते हैं तो वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी दबदबा चलता है लोगों का। तो तमाम ये महिलाएं हैं, महिला दिवस के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो यहाँ पर रहकर फुटपाथ पे करती हैं, और यहाँ पर ना सांसद आने की कोशिश करते हैं, ना मंत्री आने की कोशिश करते हैं, ना विधायक आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक दृश्य, जो दृश्य दिखाया जाता है, वो अपने चश्मा लगा करके नेताओं को, बड़े बड़े मंत्रियों को वो दृश्य दिखाया जाता है जो उनके चश्मे में ठीक बैठता है। हर तरीके की योजनाएं सिर्फ इसलिए बनती हैं क्योंकि वो कागजी तौर पर बन जाती हैं और उससे वोट बैंक मजबूत करना होता है। अब हमारे पीछे देख सकती हैं ये भी महिलाएं। आप कहाँ से हैं? हम भी फतेहपुर से हैं। तो आप यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ भी वे खाते कमाते हैं, पति जेल में। किस कारण से जेल में गए? वो एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरा, तो 6-7 लोग खत्म हो गए थे। पहले केस लड़ते रहे, फिर सजा हो गया। ड्राइवर थे आपके पास? हाँ। तो घर नहीं है आपका? घर है भैया, केवल कोई कमाने वाला घर में नहीं है। तो रैन बसेरे में क्यों नहीं रहती हैं आप? अरे नहीं रहती। क्या काम करती हैं आप? ये भैया ट्रेनों में मुंबली भी बेच लेते हैं जाके, और जैसे मुंबली पछोरी जाती ना बाहर, तो वहाँ जाते हैं, फिर क्या कहते अपने घर भी जाते आते रहते हैं। महिला दिवस के बारे में पता है आपको? देख रहे हैं आप, एक महिला नहीं ऐसा बोल रही, कई सारी महिलाएं बोल रही हैं। इनका पति जेल में है और इनकी जो रोटी चलती है वो ट्रेनों और बसों में मूंगफली बेचकर चलती है। महिला दिवस के बारे में तो नहीं पता इन्हें, लेकिन अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये मूंगफली बेचती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। तो तमाम तरीके के ऐसे दृश्य, तमाम तरीके की ऐसी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम आपको रूबरू उनसे करवा रहे हैं, जिन्हें इसका मतलब भी नहीं पता। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ चंद काम करती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं, और आज उसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगह जगह उनको सम्मानित महिलाओं को किया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। महिलाएं आगे देश को बढ़ा भी रही हैं, लेकिन एक ये जो तबका है इनको किसी तरीके की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये वोट बैंक से इतर होती हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।